Hello friends, good afternoon everyone. Today I would like to continue the second part of the lecture, that is the cell, the structure and function unit of the life. In the previous lecture, as we have seen about the cell discovery, about the cell theory and exceptions to the cell theory. Now in this lecture I would like to continue the next part, which include the cell diversity, in which we study in relation with the size, shape and difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell. Now here the about cell size. So when we are going to discuss the cell diversity in relation to the size and the shape, एक चीज़ हमें यहाँ पे ख्याल रखनी है कि जब भी हम साइज एंड शेप के बारे में बात करेंगे तो वाट एवर द साइज एंड द शेप इट इज़ गेटिंग टू द सेल, इट इज़ ड्यू टू इट्स रिक्वायरमेंट. जो सेल को रिक्वायरमेंट होती है, जो सेल का एक फंक्शंस होता है, एज पर दैट फंक्शन एंड द रिक्वायरमेंट दैट सेल गेटिंग द डाइवर्स टाइप ऑफ द शेप. हम एडल्ट ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो एडल्ट ह्यूमन में नियर अबाउट 100 trillion ऑफ द सेल्स होते हैं एंड नियर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पेशलिस्ट सेल होते हैं, दैट सेल्स हैविंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड पर्टिकुलर फंक्शन. तो इसमें देखिए, हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा. तो यू बैक्टीरिया है, उसका जनरल जो साइज है, डायमीटर होता है, वो है 2 μm to 10 μm. इसका जनरल साइज होता है, बैक्टीरिया का डायमीटर होता है. बैक्टीरिया का ही एक जो टाइप है, द टाइप इट इज़ द पीपीएलओ और द माइकोप्लाज्मा. पीपीएलओ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइकोप्लाज्मा. इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. पीपीएलओ और द माइकोप्लाज्मा इट इज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट्स डायमीटर इट इज़ 0.15 μm to 0.3 μm. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड इज पीपीएलओ और द माइकोप्लाज्मा. तो बैक्टीरिया इट हैविंग द सेल वॉल. बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है. पीपीएलओ और जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें अब्सेंट होती है. सो दिस पीपीएलओ और द माइकोप्लाज्मा इट डू नॉट शोज एनी काइंड ऑफ द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन इनहिबिटरी रोल जो है वो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट प्ले करता नहीं, बिकॉज we know that this penicillin it acts on the cell wall. Penicillin का जो role होता है वो cell wall पे वो act करता है, cell wall in formation inhibit कर देता है, breakdown कर देता है, और उसकी वजह से जो है वो bacterial cell जो है वो inhibit हो जाती है. so this antibiotic penicillin it acts against the bacteria because it acts on the cell wall, but it do not acts on the this penicillin do not acts against the PPL or the microplasma. then अबाउट द सिंगल लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में हम बात करेंगे तो वो है न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स. इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो नर्व सेल्स की लेंथ होती है वो नियर अबाउट द 2 मीटर. 2 मीटर मीन्स 6.7 फीट. तो इन जनरल 6 to 7 फीट न्यूरॉन्स की जो लेंथ है वो ह्यूमन बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होती है. और इन केस ऑफ द फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे तो सॉरोपोड्स वॉज हर्बिवोरस डायनासोर्स. सॉरोपोड्स जो थे वो एक हर्बिवोरस डायनासोर्स थे. दे वर वाइडली स्प्रेड आउट इन द लेट जुरासिक पीरियड. द लेट जुरासिक पीरियड मीन्स यहाँ से 150 मिलियन ईयर्स एगो, नियर अबाउट 115 मिलियन ईयर्स एगो, जुरासिक इन द लेट जुरासिक पीरियड सॉरोपोड्स जो थे हर्बिवोरस डायनासोर्स थे. वो एक बिग साइज एनिमल्स जो है वो फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं. उनकी जो साइज थी डायनासोर्स की, सॉरोपोड्स की, वो नियर अबाउट उनकी जो नेक साइज थी वो 45 फीट थी. उनका जो फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं तो एज पर द फॉसिल रिकॉर्ड्स सॉरोपोड्स हैविंग द नेक साइज नियर अबाउट द 45 फीट. और उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स जो साइज न्यूरॉन्स की थी वो नियर अबाउट 90 to 91 फीट जो है उनकी साइज न्यूरॉन्स की जो होती थी. तो ये जो लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में जो है एक हम बात कर रहे हैं नियर अबाउट फॉसिल्स के बारे में, फॉसिल रिकॉर्ड्स में जो एक हिस्टोरिक फुटप्रिंट है उसके बारे में. अब लाइव ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे जिराफ. जिराफ की जो नेक होती है वो नियर अबाउट 7 to 8 फीट होती है.
और जिराफ में जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की जो साइज होती है वो नियर अबाउट 16 to 18 फीट उसकी साइज होती है। देन हम बात करेंगे सिंगल बिगेस्ट सेल के बारे में। तो एग ऑफ एन ऑस्टिक इट इज एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल बिगेस्ट सेल। द डायमीटर ऑफ दिस एग ऑफ एन ऑस्टिक इज नियर अबाउट 18 सेंटीमीटर। देन अबाउट द सेल डाइवर्सिटी, एज वी हैव डिस्कस्ड, वट एवर द साइज एंड द शेप द सेल इज गेटिंग, इट इज ड्यू टू इट्स रिक्वायरमेंट। जो भी उसकी साइज एंड शेप होती है सेल्स की, वो एज पर इट्स नीड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो फंक्शंस है वो फंक्शंस के जो एज पर द फंक्शंस द सेल गेटिंग द साइज एंड द शेप। नाउ हियर एग्जाम्पल इज अ मसल सेल्स। मसल सेल्स इट हैविंग द स्पिंडल शेप। सो वाई द मसल्स इट हैविंग द स्पिंडल शेप, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन द मसल्स दे स्लाइड्स ओवर वन अनदर एंड टू बिकम दिस प्रोसेस वेरी सोफिस्टिकेटेड द शेप ऑफ द मसल इट इज द स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप जो होता है मसल्स का, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो मसल सेल्स वन ओवर द अनदर जो है वो स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और टू बिकम दिस मूवमेंट सोफिस्टिकेटेड जो मसल सेल्स है उनका जो शेप है वो स्पिंडल शेप होता है। बाद में हम बात करेंगे आरबीसी और द एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम कहते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स और द आरबीसी जो है उसका शेप जो होता है वो सर्कुलर बायकॉनकेव है। इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द आरबीसी और द एरिथ्रोसाइट्स। जो आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो होता है सर्कुलर बायकॉनकेव। नाउ व्हाई द शेप ऑफ द आरबीसी सर्कुलर बायकॉनकेव, एज वी नो दैट आरबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आरबीसी, टू कैरी द ऑक्सीजन एज इट हैविंग द हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ आर बी सी इज टू कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो व्हेन द आर बी सी दे आर सर्कुलेटिंग टू बिकम सोफिस्टिकेटेड टू इट टू सर्कुलेट इजिली। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ब्लड सर्कुलेशन में थ्रू द ब्लड कैपिलरी जो आर बी सी मूवमेंट होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो फास्ट होना चाहिए। सो द आर बी सी हैविंग द सर्कुलर बायकॉनकेव शेप। नेक्स्ट जो है वो है स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का जो शेप है वो स्पायरल शेप है। एंड नाउ व्हाई द क्वेश्चन इज व्हाई द शेप ऑफ द स्पर्म इट इज द स्पायरल शेप। तो इसका भी रीजन वही है कि एज पर द फंक्शन, जो फंक्शन है स्पर्म का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, व्हेन द मेल रिलीज द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, द फंक्शन ऑफ द स्पर्म इज टू रीच टुवर्ड्स इट्स टारगेट। जो टारगेट होता है स्पर्म का वो क्या है, तो एक सेल है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो एक सेल या जो ओहम है तो एक सेल के पास उसको पहुंचने के लिए जो है उसका स्पीड मोटिलिटी जो है मूवमेंट के लिए जो शेप होता है स्पर्म का वो स्पायरल शेप है। तो हमें पता है कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर उसमें हेड है, फिर नेक है, मिडल पीस है एंड द टेल है। तो टेल एक प्रोपेलर जैसा काम करता है, उसको मोटिलिटी जो मूवमेंट है वो फास्ट देने का काम जो है टेल करता है, और जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और द माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म्स में कहाँ होते हैं प्रेजेंट, तो मिडल पीस जो है मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, दैट गिव्स द एनर्जी फॉर द मोटिलिटी और द मूवमेंट। बाद में हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स का जो शेप है वो ब्रांच शेप क्यों है। व्हाई न्यूरॉन्स हैविंग द ब्रांच शेप, एज वी नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, टू कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो टू कैरी द सेंसेशन फ्रॉम वन लोकेशन टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द सेंसरी ऑर्गन। तो इसका जो फंक्शंस है न्यूरॉन्स का, टू रीच टूवर्ड्स द डाइवर्स ऑर्गन्स, जो है लास्ट ऑर्गन तक उस स्प्रेड आउट होना चाहिए उसको। तो उसका जो शेप है वो ब्रांच शेप है। जो डेंड्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन्स जो पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के, तो वो जो ब्रांच शेप इसीलिए है कि वो लास्ट की जो ऑर्गन्स है, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स जो है सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए, सेंसेशन कैरी करने के लिए जो है उनका जो लेंथ भी है वो लेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्गेस्ट इन द लेंथ है, और ब्रांच शेप उसका स्ट्रक्चर है। फिर बाद में बात करेंगे हम कि जो एग या ओहम होता है, हमने पहले भी कहा था कि जो मोस्ट ऑफ द सेल्स है वो सेल्स सर्कुलर शेप होते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, तो रीज़न ये है कि सर्कुलर शेप होने की वजह से उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया ज़्यादा है। हम मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे कि जो शेप होते हैं, ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, स्फीयर शेप है, सर्कुलर शेप है, तो इसमें जो सर्कुलर है, जो स्फीयर शेप है, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द
अदर शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो उसका एडवांटेजेस ये जो है सर्कुलर शेप का कि उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। और हम स्मॉल सेल एंड लार्ज सेल्स में कंपैरिजन अगर करेंगे तो जो स्मॉल सेल्स होती है उसका सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज शेप। तो स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। सो स्मॉल स्मॉल जो सेल है उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ द लार्ज सेल होती है वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है। मींस जो बड़ी सेल होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है एंड सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। जो छोटी सेल होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम होता है। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स देखेंगे तो वो स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज होने की वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो उसका उसे एडवांटेजेस मिलता है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली उसे अवेलेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द यूकेरियोटिक सेल्स। तो यूकेरियोटिक सेल जो है उसका हमने देखा कि डायमीटर जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटी साइज होने की वजह से उसका जो है एडवांटेजेज ज़्यादा मिलता है, उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स की साइज बड़ी होने की वजह से उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो कम होता है, उसका वॉल्यूम बड़ा होता है यूकेरियोटिक सेल्स का, सरफेस एरिया जो है कंपेरेटिवली कम होता है। तो ये जो होते हैं शेप के एडवांटेजेस होते हैं, साइज का एडवांटेजेस होता है। देन बैक्टीरिया में हम देखेंगे तो बैक्टीरिया में अलग अलग शेप है, कोकाई शेप है, सर्कुलर शेप, कोकाई शेप, देन रॉड शेप, कॉमा शेप, विब्रियो शेप, स्पाइरल शेप, ये अलग अलग बैक्टीरिया के शेप होते हैं। तो हमें पता है बैक्टीरिया यूबिक्यूटस है, वो कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, कोल्ड जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यूबिक्यूटस है बैक्टीरिया और एज पर द सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस प्रकार के हैं, एज पर द सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो बैक्टीरिया का है जो शेप है वो डाइवर्स प्रकार का होता है, मीन्स टू गेट द एडवांटेजेस फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। देन व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल डाइवर्सिटी इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकेरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स जो है उसका जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस है। सो प्रोकैरियोटिक जो लाइफ होते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द लाइफ है, जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो प्रिमिटिव जो लाइफ थी वो प्रोकैरियोटिक लाइफ थी, बैक्टीरिया है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोट्स। एंड प्रोकैरियोट्स मींस द मीनिंग ऑफ द प्रो मींस बिफोर ऑफ द प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मींस द न्यूक्लियस। सो बिफोर द बर्थ ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल्स वॉट एवर द सेल्स इट इज प्रेजेंट दैट सेल्स इट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड यूकेरियोटिक सेल्स मींस द मीनिंग ऑफ द यू मींस ट्रू एंड कैरियोट्स मींस द न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स मींस ऐसे सेल्स की जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती नहीं उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। उसका एग्जांपल है आर्किबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया है, पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा है। देन यूकेरियोटिक सेल्स कौन से हैं, तो यू मींस ट्रू, मीनिंग ऑफ द यू मींस ट्रू एंड कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स की जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप जो है प्रेजेंट होता है उसे हम यूकेरियोटिक सेल्स कहेंगे। इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो सिंगल सेल यूकेरियोट्स है वो है यीस्ट, देन अम्बिबा सिंगल सेल है, यीस्ट सिंगल सेल है, मल्टीसेलुलर जो है वो हायर प्लांट्स है, देन एनिमल सेल्स है, प्रोटिस्टा है, फंजा है, उसके एग्जांपल जो है ये यूकेरियोट्स के एग्जांपल है। देन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकेरियोट्स हम देखेंगे, यूकेरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है सिंपल इन द फॉर्म है, यूकेरियोटिक सेल्स है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। देन अबाउट द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स में, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स हम आउटर टू इनर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, डिफरेंस है, हम इसमें बात करेंगे। सो इन केस ऑफ द एनवलप, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो है 3 एनवलप्स है इसमें, जो आउटर मोस्ट होता है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स इट इज द मेडअप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड द पॉलीपेप्टाइड्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो आउटर मेम्ब्रेन है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में होता है लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स में वो अब्सेंट होता है। देन सेकंड जो है वो है सेल वॉल, मिडल जो है वो सेल वॉल है, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में होते हैं, माइकोप्लाज्मा में होते नहीं हमने देखा, पीपीएलओ में जो है वो सेल वॉल अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, आर्किबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इनके सब द यूकेरियोट्स एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल है, तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल अब्सेंट होता है यूकेरियोटिक में, और जो प्लांट सेल्स है देन फंजा है, तो फंजा और द प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मोस्ट है, थर्ड इनर मोस्ट जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। बाद में जब बात करेंगे हम इन रिलेशन विद द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें उसे ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को और उन सेल्स को। बट जो प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोट्स में द मीनिंग इटसेल्फ, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट द प्रोकैरियोट्स दे लैक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। प्रोकैरियोट्स में जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में है, बैक्टीरियल सेल्स में है, तो उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स में कौन सी रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाएगा, तो ऐसा रीजन जहाँ पे मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जो रीजन है उसे कहेंगे न्यूक्लियोइड रीजन कहेंगे, नॉट ए न्यूक्लियस, नॉट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट सच टाइप ऑफ द रीजन इन द प्रोकैरियोट्स इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड रीजन। इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्रोमोसोम होता है वो लीनियर होता है। एज वी हैव सीन प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम है वो लीनियर होता है। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है लीनियर टाइप ऑफ द क्रोमोसोम है। तो यूकैरियोट्स में इन केस ऑफ द प्लांट क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लाइक द बैक्टीरिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है तो पास्ट में इवोल्यूशन में इट इज लाइक टू बी अ बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एज पर द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया विच आर द नाउ पार्ट ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सेलुलर ऑर्गेनेल्स हम कहते हैं यूकैरियोट्स का, तो जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है उसके जो कंटेंट है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम्स है, तो इट शोज द सिमिलैरिटी विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो इट इंडिकेट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट दे माइट बी अ बैक्टीरिया, दे माइट बी द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बट बाय एक्सीडेंट्स इट एंटर्स इन टू द यूकैरियोटिक सेल्स and eukaryotic cells provide the favorable condition to them, and also these bacteria, that chloroplast and the mitochondria, they show the favorable association, beneficial association with eukaryotic cells, and they becomes the part of the eukaryotic cells. So as per the endosymbiotic theory, so endosymbiotic theory ye kehti hai ki jo mitochondria chloroplast hai wo ek bacteria hi the during the course of evolution, by mistake enter ho gaye wo eukaryotic cells mein, unhone eukaryotic cells ko beneficial activities प्रोवाइड जो है फंक्शन जो है प्रोवाइड किया, तो सो यूकैरियोटिक सेल्स के वो पार्ट बन गए, नाउ दे आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। द देन अनदर डिफरेंस इट इज द राइबोसोम, अबाउट द राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है, एंड यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म का राइबोसोम है वो 80S टाइप का होता है, बट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होते हैं वो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 50S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, और क्लोरोप्लास्ट है वो 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम इट कंटेन्स। नाउ अबाउट द सेलुलर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में होते नहीं, प्रोकैरियोट्स डो नॉट कंटेन द सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मीन्स व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सो दीज सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, बट इन द यूकैरियोट्स these are cell membrane bound organelles, they are present. Then next here chart it is presents, it shows the comparison between the prokaryotes and the eukaryotes. So first nucleus, to prokaryotes mein nucleus present hote nahi hai, jo main bacterial chromosome ka jo region hota hai, that region it is called as the nucleoid region, aur eukaryotes mein to true nucleus hoti hai, so they call as the eukaryotes. Membrane bound cell organelles, prokaryotes do not contain the membrane bound cell organelles like endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, Golgi complex, etc. But eukaryotic cells, they possess all these cell membrane bound organelles like lysosomes, Golgi complex, endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, etc. Then about the size, prokaryote seed having the size, general size diameter jo hai 1 micrometer to 10 micrometer hai. यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो डायमीटर जो है 10 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोमीटर जो यूकैरियोट्स की
साइज होती है। देन व्हेन इवॉल्व प्रोकैरियोट्स दे इवॉल्व 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, एज वी नो दैट अर्थ अर्थ इवॉल्व 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, एंड यूकेरियोटिक लाइफ ओरिजिनेटेड 2.7 बिलियन, नियर अबाउट 2.7 बिलियन ईयर्स एगो। साइटोप्लाज्म, सो साइटोप्लाज्म इट इज अ फ्लूड लाइक मटेरियल, दिस फ्लूड लाइक मटेरियल इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज द यूकेरियोटिक सेल्स इन विच द सेलुलर ऑर्गेनेल्स दे आर एम्बेडेड। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, यूकेरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इन द आर्किबैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द पीपीएलओ और द माइकोप्लाज्मा। इन यूकेरियोट्स सेल वॉल इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स एंड द फंजाई बट नॉट इन द एनिमल सेल। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो इट इज मेडअप ऑफ द सेलुलोज एंड फंजाई जो है उसकी सेल वॉल इट इज मेडअप ऑफ द काइटिन। सेलुलोज इट इज मेडअप ऑफ द मोनोमर ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोमर्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर एंड दिस पॉलीमर इज नथिंग बट द सेलुलोज विच इज पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। इन केस ऑफ द फंजाई द सेल वॉल इट इज अ काइटिन एंड काइटिन इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द सेलुलोज। काइटिन का जो मोनोमर होता है वो ग्लूकोज अमीन होता है एंड ग्लूकोज अमीन मोनोमर्स कंबाइंस टू फॉर्म ए पॉलीमर एंड दे फॉर्म्स द काइटिन विच इज अ पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। राइबोसोम इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम इट इज द 70S टाइप एंड इन केस ऑफ द यूकेरियोट द राइबोसोम इट इज द 80S टाइप विच इज प्रेजेंट इन टू द साइटोप्लाज्म। यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो राइबोसोम है 55S टाइप का है और जो क्लोरोप्लास्ट का है उसमें जो है वो 70S टाइप का है। डीएनए जो है तो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, वो सर्कुलर फ्री फ्लोटिंग डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में। एक मेन बैक्टीरियो क्रोमोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, अलॉन्ग विथ इट जो एक छोटा होता है डीएनए उसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियल सेल्स में उसे प्लाज्मिड कहेंगे। जो प्लाज्मिड है उसमें बैक्टीरिया की अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती है, उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड्स में, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। यूकेरियोट्स में जो है वो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस में प्रेजेंट्स है, इट इज इन द लीनियर फॉर्म एंड इन केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रोमोसोम होते हैं वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं लाइक द बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर द यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड द पीपीएलओ और द माइकोप्लाज्मा। इन केस ऑफ द यूकेरियोट्स द एग्जाम्पल्स आर द सिंगल सेल है वो ईस्ट अमीबा एंड मल्टी सेलुलर जो है उसके एग्जाम्पल्स इट इज अ प्लांट एनिमल्स फंजाई एंड द प्रोटिस्ट। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।